आधी रात में रोड पर रियलिटी टेस्ट। बुलडोजर राज में कितनी महफूज बेटियां। यूपी के कोने कोने से रियल रिपोर्ट। आधी रात दफ्तर से सुनसान सड़क तक। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सुनसान सड़क, क्या बेटियों की मुश्किल नगर। गंझावला कांड के बाद यूपी में बड़ी पड़ताल। गाजियाबाद नोएडा में नौकरी पेशे में काम करने वाली लड़कियों और महिलाओं की अच्छी खासी तादाद है। बड़े पैमाने पर लड़कियां 24/7 ड्यूटी करती हैं। नाइट शिफ्ट से लौट रही लड़कियां अगर रात में सुनसान सड़क पर फंस जाती हैं, उन्हें कोई परेशानी होती है, क्या कोई मदद के लिए आगे आता है, क्या कोई पुलिस PCR या पुलिस कर्मी गश्त पर होता है, इसकी हमने पड़ताल की। रियलिटी चेक की शुरुआत हमने गाजियाबाद से की, वो गाजियाबाद जिसकी सड़कें रात में चहल पहल से भरी रहती हैं। रात के 10:30 बजे हमारी रिपोर्टर ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हालात को जाना। दिल्ली में हुए कंझावला कांड के बाद आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियां जब घरों से बाहर निकल रही हैं, रात के करीब 10:30 बजे का वक्त हो चला है। इस बीच हम आज ये गाजियाबाद की सड़कों पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अगर कोई लड़की इस वक्त अपने घर की तरफ जा रही है या फिर कोई काम करके अपने ऑफिस से लौट रही है, तो वो अपने आप को कितना सेफ फील कर रही है इन गाजियाबाद की सड़कों पर, क्योंकि रात के करीब 10:30 बजने को है और इस वक्त अगर कोई लड़की अपने घर की तरफ जा रही है किसी काम को करके या फिर कहीं भी जा रही है इन सड़कों से, तो क्या उसकी हेल्प के लिए कोई पुलिस वाला मौजूद है या फिर नहीं है, या अगर कोई भी उसकी स्कूटी खराब हो जाती है या कोई भी दिक्कत आती है और उसे किसी हेल्प की जरूरत है तो क्या उसके लिए कोई अवेलेबल है या नहीं है, यही जानने की कोशिश आज गाजियाबाद की सड़कों से हम करने जा रहे हैं। गाजियाबाद में सुरक्षा को लेकर रात के वक्त जो पुलिस दावा कर रही है उसमें कितनी हकीकत है, क्या वाकई यहाँ पर जो गाजियाबाद की सड़कें हैं गश्त के लिए पुलिस रात को नजर आती है या नहीं आती, या फिर इस वक्त अगर कोई लड़की बाहर है अकेले यहाँ से ट्रेवल कर रही है तो उसकी हेल्प के लिए क्या कोई अवेलेबल है या नहीं है, तो चलिए ये जानते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस वक्त जब रात के करीब 10:30 बज रहे हैं तो गाजियाबाद में लड़की खुद को कितना सेफ फील करती है। तो चलिए मेरे साथ ये रियलिटी चेक करके हम आपको दिखाते हैं कि गाजियाबाद के हालात क्या है। स्कूटी से निकली हमारी रिपोर्टर ने स्कूटी खराब होने का बहाना किया, वो इंदिरापुरम की सड़क पर रात 10:30 बजे खड़ी हो गई, ये जानने के लिए कि क्या कोई अकेली लड़की के मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। हमारी रिपोर्टर इंदिरापुरम की सड़क पर इंतजार कर रही थी, मिनट पर मिनट बीत रहा था और देखते ही देखते आधे घंटे का वक्त बीत गया। एक अकेली लड़की मदद के लिए इंतजार करती रही, अकेली वो सड़क पर खड़ी रही लेकिन लोग गुजरते रहे, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया और न ही कोई पुलिस PCR वहां से गुजरी। तो देखिए आपने देखा, अभी पहले मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। टाइम आप देखिए इस वक्त 10:56 हो रही है, करीब करीब 25 से 30 मिनट हम लोगों ने यहाँ पर वेट किया, ये जानने की कोशिश की कि अगर ऐसी सिचुएशन यहाँ पर किसी लड़की के सामने आ जाती है तो क्या कोई वैन पुलिस की यहाँ से गुजरती है या फिर नहीं, कोई PCR यहाँ से गुजरती है कि नहीं। लेकिन इन 25 से 30 मिनट में मैंने ये देखा कि यहाँ से एक भी पुलिसकर्मी नहीं गुजरा। यहाँ कोई भी अगर हैपनिंग होती है किसी लड़की के साथ तो वाकई क्या ये यहाँ की सच्चाई है,
कि अभी तक इस आधे घंटे के अंदर, जबकि पुलिस चौकी महज यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है, उसके बावजूद यहाँ से अभी तक एक भी PCR नहीं गुजरी। तो आप यहाँ की हकीकत क्या है गाजियाबाद की? अगर रात के करीब करीब 11 बजे घर से कोई लड़की निकली है बाहर या उससे कहीं जाना है, तो ये आपने हकीकत जान ली है गाजियाबाद की। एक बार मैं आपको ये तस्वीरें भी यहाँ से दिखाना जरूर चाहूंगी। ये आप देखेंगे काफी हैपनिंग एरिया है, काफी आवाजाही यहाँ पर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप हकीकत देखेंगे तो यहाँ से अभी तक एक भी PCR वैन गुजरती हुई मुझे दिखाई नहीं दी। अगर वाकई कोई लड़की स्कूटी से ट्रेवल कर रही है, कोई लड़की यहाँ से गुजर रही है, अगर उसे वाहन की कोई प्रॉब्लम है या इस टाइम कहीं जा रही है, उसे कैब की कोई दिक्कत है या फिर ऑटो की कोई दिक्कत है, नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में ये जो एरिया है इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई यहाँ से पुलिस गुजरती है या नहीं गुजरती? ये इस आधे घंटे के दौरान तस्वीर आपने देख ली है। आपने गाजियाबाद का हाल देखा, अब नोएडा के हालात से भी आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। मामला महिला सुरक्षा से जुड़ा है, तो हमने नोएडा में नाइट इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत नोएडा के सेक्टर 39 में पुलिस के महिला हेल्प डेस्क से की। महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए और इसके साथ ही जिस तरीके की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, खासतौर पर पुलिस के सामने, उनसे निजात दिलाने के लिए महिला हेल्प डेस्क की हर थाने में स्थापना की गई। और इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं, कोतवाली सेक्टर 39 नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर, और अंदर जाकर हम आपको हकीकत दिखाएंगे कि क्या वाकई में महिला हेल्प डेस्क जो है अंदर यहाँ पर काम कर रही है, किस मुस्तैदी के साथ वो नजर आती है। आइए जल्दी से इसकी पड़ताल करते हैं, क्या कोई महिला पुलिसकर्मी भी अंदर मौजूद है? हम तस्वीरों के जरिए आपको रात की हकीकत दिखाते हैं। ये महिला हेल्प डेस्क आप देख रहे हैं, वुमेन महिला हेल्प डेस्क, और यहाँ पर अंदर जाकर हम देखेंगे ये महिला पुलिसकर्मी पहले से ही मौजूद हैं। अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को देखकर ऐसे कि रात का वक्त है, इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी आप लोग, अगर कोई महिला यहाँ शिकायत लेकर आती है तो आप कोशिश यही करते हैं कि उसको थोड़ा रिलैक्स कर सकें और उसकी जो भी शिकायत है उसको तत्परता के साथ सुना जाए। रात के करीब 1 बज रहे थे इस घनेरी रात में, अब हमने रात में पुलिस थानों में कामकाज के बारे में छानबीन की, वहाँ कितने केस दर्ज हुए, कितने पुलिसकर्मियों की तैनाती है, ये बात हमने जानी। हमने आपको नोएडा में पुलिस थाने में कामकाज की तस्वीरें दिखाई, पुलिस कैसे रात में अपनी जिम्मेदारी निभा रही है दिखाया, अब बारी थी रात की असल तस्वीर दिखाने की। अगर किसी लड़की को रात में कोई मुसीबत आन पड़ती है, उसकी गाड़ी खराब हो जाए या कैब ना मिले तो क्या होता है? इस वक्त हम कहां पर मौजूद हैं तो तस्वीरों के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि देखिए दूर दूर तक जो सड़क आप देख रहे हैं, ठंड के मौसम में ये सुनसान सड़क जहां पर इक्का दुक्का वाहन ही चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज हम सड़कों पर, खासतौर पर नोएडा की सड़कों पर पड़ताल करने के लिए निकले हैं। वो नोएडा जो कि दिल्ली को कनेक्ट करता है, वो नोएडा जहां पर गाजियाबाद से, गुड़गांव से, आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में यहां लोग नौकरी करने के लिए आते हैं, और हम जैसे लोग जो कि इवनिंग शिफ्ट करने के बाद घरों को वापस इस वक्त लौटते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि नाइट शिफ्ट करने के लिए ऑफिस का रुख करते हैं, ऐसे में आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि नोएडा में आखिरकार महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, क्योंकि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके बाद एक बार फिर से महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आज हम अपनी पड़ताल में यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो योजनाएं महिला सुरक्षा के नाम पर चलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से, आखिरकार उसकी जमीनी हकीकत क्या है, चाहे वो पिंक पुलिस बूथ को लेकर हो या फिर महिला हेल्प डेस्क लेकर हो। आज हम यही अपनी रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिरकार असल सच्चाई क्या है, क्या वाकई में पुलिस सड़कों पर मुस्तैद नजर आ रही है, और या फिर कोई अकेली लड़की अगर सड़क पर निकलती है तो क्या उसे पुलिस की मदद मिल पाती है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। हम सेक्टर 43 की सुनसान सड़क पर थे, रात के 1:30 बज रहे थे, करीब 15 मिनट घनेरी रात में बीत गए, लेकिन ना अब तक कोई गाड़ी आई और ना ही कोई मदद के लिए आगे आया। रात का तकरीबन 1:30 बजे का वक्त हो रहा है और अभी भी हम इस इंतजार में हैं कि शायद कोई वाहन आकर रुके और कोई पुलिस की गाड़ी या फिर आए और आकर पूछे कि आखिरकार इस सुनसान जगह पर एक लड़की क्यों खड़ी हुई है। अभी हम सेक्टर 43 में मौजूद हैं और यहाँ हम देखते हैं कुछ मिनट तक रुकने के बाद कि क्या कोई पुलिस का वाहन यहाँ से जाता हुआ नज़र आता है या फिर कोई शख्स जो अपनी गाड़ी में जा रहा हो वो हमें रुक कर पूछता है कि आप किस लिए यहाँ पर खड़ी हैं, क्योंकि रात का ये वक्त है और ऐसे में क्या कोई मदद के लिए आगे आता है, ये भी हमें देखना होगा।
तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, उसके बाद हम जानते हैं। हम इंतजार कर रहे थे, समय पर समय बीत रहा था, तभी अकेली लड़की को सड़क पर देख एक बाइक वाला रुकता है, मदद के लिए पूछता है, आप कौन है, क्या हुआ? हाँ हाँ, हम तो गाड़ी का वेट कर रहे हैं ना, मेरी ऑफिस की कैब आ रही है तो मैं वेट कर रही हूँ। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिस की कैब आ रही है तो उसमें वेट कर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, मेरी कैब आने वाली है अभी, तो मैं वेट कर रही हूँ, 5 मिनट बाद आ जाएगी कैब, वेट कर रही हूँ। जब रिपोर्टर मदद के लिए मना कर रही है, ऑफिस की कैब का जिक्र करती है, फिर भी बाइक वाला जाने को राजी नहीं होता। थोड़े इंतजार के बाद बातचीत में अपने गंदे इरादे का इजहार कर देता है। क्या तो सेवा पानी हो, वो सेवा पानी, कैसा सेवा पानी? नहीं नहीं, आप चले जाइए, मैं चली जाऊंगी, हमारा तो रोज का ऑफिस से आना जाना ऐसे ही रहता है, आप चले जाइए, मैं चली जाऊंगी अपने आप, आने वाली है मेरी क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू थैंक यू। जब बाइक वाले के मंसूबे कामयाब नहीं होते तो वो धीरे से सरकने में ही अपनी भलाई समझता है, लेकिन बाइक वाले का बर्ताव रात में अकेली महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। और लगातार यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही है, लेकिन आपने देखा एक शख्स मोटरसाइकिल पर सवार था, और जैसे ही उसने मुझे देखा तो आकर पूछा कि आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, और कहाँ आपको जाना है, मैं छोड़ दूँ? तो देखिए, अगर अकेली लड़की को कोई ऐसे सुनसान सड़कों पर देखता है तो वो, कई लोग तो मदद के इरादे से आते हैं, लेकिन कई लोग किस तरीके से सवाल करते हैं कि अगर कोई सेवा पानी हो, कोई मदद की दिक्कत हो तो हमें बता दीजिए, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं अगर आपको कहीं जाना हो। तो आप समझ गए होंगे कि क्या वो कहना चाह रहा था इशारों में, लेकिन ये हाल है नोएडा का, उस नोएडा का जिस पर हम सुरक्षा की बातें करते हैं। हम ये कहते हैं कि हर वक्त अगर कोई मुश्किल में लड़की हो तो उससे मदद मिल जाएगी। बाइक वाले के जाने के बाद हम वेट कर रहे थे, तभी पुलिस की वैन पेट्रोलिंग करते हमारे पास आई। पुलिस कर्मियों ने पूछताछ की और घर छुड़वाने की बात कही। नहीं नहीं, जाना कहीं नहीं है, है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, अभी कैब का वेट कर रहे हैं तो अब चले जाएंगे। आप गाड़ी जानते हैं, ये रुकी बाइक घूम के, ये आदमी पीछे खड़े हैं, कौन से? ये गाड़ी जो आप खड़ी है। नहीं नहीं नहीं, इनको तो नहीं जानते, आप अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, है? नहीं, अगर कोई हेल्प हमारी, नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग गश्त करते रहते हैं। एक आदमी हमें लगे तो हमने देखा, मिल गया आपको। हाँ, पुलिस की ओर से बढ़ा मदद का हाथ नोएडा पुलिस की पॉजिटिव पेट्रोलिंग की एक अच्छी पहल दिखाता है। पुलिस कर्मी लोगों की मदद के लिए कैसे रात भर एक किए हुए हैं, लेकिन क्राइम रोकना या लेडीज की सेफ्टी सिर्फ पुलिस का ही काम नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी भी है। इसे रोकने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर काम की भी ज्यादा जरूरत है। तो योजनाओं की पड़ताल करने के बाद एक बार फिर से आपको ये सड़क हम दिखाते हैं। रात का गुप्त अंधेरा है, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि हम आपको जमीनी हकीकत से रूबरू करवा सकें और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी क्या हकीकत है वो भी बता सकें। तो महिला हेल्प डेस्क में तो कम से कम हमने देखा कि वहां पर मुस्तैदी नजर आ रही है। पीसीआर वैन की अगर हम बात करें तो पेट्रोलिंग लगातार जिस एरिया में हम मौजूद थे, क्योंकि सेक्टर 43 में हम इस वक्त मौजूद है, यहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग भी लगातार बराबर हो रही है, 12-12 घंटे की शिफ्ट ये लोग कर रहे हैं। और सड़कों पर हाँ, थोड़ा बहुत डर जरूर बना हुआ है, लेकिन उसमें भी आकर शख्स पूछ रहे हैं कि आपको कोई जरूरत तो नहीं है, कहीं आपको जाना तो नहीं है, छोड़ते। तो कुल मिलाकर यहाँ पर माहौल ठीक नजर आ रहा है, लेकिन जितनी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की बन जाती है, सरकार की बन जाती है, उससे कई बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आपको सचेत रहना है, सजग रहना है, जागरूक रहना है। नमस्कार। रियल रिपोर्ट जाने। लखनऊ के कैंट इलाके में केंद्रीय विद्यालय के सामने पिंक पुलिस बूथ पर हम पहुंचे। बूथ पर जहां ताला पड़ा हुआ था,
और तो और कोई पुलिसकर्मी दूर दूर तक नहीं था। राजधानी लखनऊ में रात के दौरान लड़कियां और महिलाएं इन सन्नाटी रोडों पर कितना ज्यादा सेफ है, ये जानने के लिए जी मीडिया की टीम रियलिटी चेक करने जमीन पर उतरी है। लेकिन कई जगह पर तो अच्छी तस्वीरें सामने आई, लेकिन कहीं पर चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने हैं। ये लखनऊ का कैंट इलाका है, पीछे आप देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पर, और बगल में हमारे केंद्रीय विद्यालय है जहाँ पर चहलकदमी बच्चों के दिन में रहती है, लेकिन रात को बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। देखिए, एक भी व्यक्ति आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा, ना ही कोई गाड़ी चलती नजर आएगी, बस ट्रेन की आवाजें दूर से आपको दिखाई देंगी। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर आप ये देख सकते हैं कि पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ पिंक बूथ यहाँ पर बना हुआ है, और ये पूरा सन्नाटा इलाका है जहां पर ये पिंक बूथ बना हुआ है, लेकिन इस पिंक बूथ में कोई नहीं है। पिंक बूथ का काम है लड़कियों और महिलाओं की रक्षा करना, और ये देख सकते हैं यहाँ पर नंबर वगैरह सभी के लिखे हुए हैं, डीसीपी के, एडीसीपी के, एसीपी, प्रभारी निरीक्षक, चौकी इंचार्ज, सबके नंबर लिखे हैं, लेकिन सेफ्टी की अगर बात करें तो उसमें ये पिंक बूथ फेल नजर आता है। अब आपको आउटर लखनऊ का हाल दिखाते, वो चौराहा जहाँ से अयोध्या, सुल्तानपुर, रायबरेली और कानपुर को रास्ता जाता है, और जहाँ से लखनऊ में एंट्री होती है, सुरक्षा के नाम पर यहाँ पर बस एक छोटी सी पुलिस चौकी थी और उसमें एक पुलिसकर्मी मौजूद था। लखनऊ के शहीद पथ पर इस वक्त हम मौजूद है, और इस चौराहे से आप कई शहरों में जा सकते हैं। अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे कि एक तरफ की तस्वीर दिखाएं, अगर आप हमारे दाहिनी तरफ वाली रास्ते से जाएंगे तो आप जाएंगे यहाँ से सुल्तानपुर, रायबरेली, कानपुर, और हमारी बाईं तरफ अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं हाईवे है, और यहाँ से आप अयोध्या या फैजाबाद यहाँ से आप जा सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरी तरफ की रास्ता है, जो बिल्कुल सन्नाटा आप देख पा रहे हैं, बहुत कम गाड़ियां आ जा रही, ये राजधानी लखनऊ की तरफ अंदर जाएंगे, और दूसरी तरफ हमारे डीजीपी मुख्यालय मौजूद है, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की तरफ से छोटी सा यहाँ पर एक चौकी टाइप की बनाई गई है, और एक पुलिसकर्मी, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है तो ऐसे में एक पुलिसकर्मी को यहाँ पर तैनात किया गया है। लखनऊ में हमने देर शाम को अपने ऑफिस से घर लौट रही लड़कियों से भी बातचीत की, जिनका कहना है हालांकि वो खुद को सेफ फील करती हैं, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं हुई जब उन्हें पुलिस से मदद मांगनी पड़ी। लखनऊ का पार्क रोड है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और सीएम योगी आदित्यनाथ का घर भी यहां से कुछ ही दूरी पे है, चर्चित इलाका है। कुछ लड़कियां हैं, महिलाएं हमारे साथ, जो यहां पर ऑफिसेज में काम करती है, और अभी अपने ऑफिस से छूट के, क्योंकि देर शाम हो चुकी है, अपने घर जा रहे हैं, तो इनसे बात करेंगे कितना ज्यादा सेफ महसूस करती है। मैम, छुट्टी हो चुकी है ऑफिसर्स की आपकी, घर जाते समय कितना सेफ महसूस करते हैं? हम लोग अभी तो बहुत अच्छा है, सारी फैसिलिटीज हो गई हैं, पहले चीजें डिफिकल्ट थी लेकिन अब काफी हद तक सुरक्षित है, और मुझे लग रहा है सारी लड़कियों को इसके लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। रात में महिला सुरक्षा की पड़ताल के दौरान हमने उन लेडी पुलिस कर्मियों से भी बात की जो नाइट शिफ्ट करती हैं। लखनऊ का 1090 यानी कि 1090 चौराहा है, और जो 1090 है ये वुमेन पावर लाइन के तौर पे जाना जाता है, और उसका दफ्तर भी हमारे जस्ट पीछे है जो कि अब बंद हो चुका है। यहाँ पर जो महिलाएं, लड़कियां काम करती हैं वो अब धीरे धीरे दफ्तर से बाहर निकल रही हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो लड़कियां हैं, महिलाएं, अब वो अपने घरों की तरफ जा रही है। एक मैम है हमारे साथ जो कि यहाँ पे काम करती है, बाहर निकली है। मैम, अब लगभग रात होने को है और ठंड का मौसम भी है, तो अभी आप घर जा रही है, लेकिन आप ऐसी जगह पे काम करती है जो कि खुद दूसरों को सेफ्टी के लिए लड़कियों को यहाँ पे किया जाता है, आप कितना ज्यादा सेफ महसूस करती है शहर में? सर, हम तो सेफ ही हैं, कि आराम से पुलिस की जॉब ही ऐसी है कि पहले बात तो अपने आप को सेफ करना, भी हम पे जो और भी महिलाएं डिपेंड करती हैं उन्हें भी सेफ करना, ये तो। मैम, क्या क्राइटेरिया यहाँ पे काम करने का रहता है, आप लोगों का टाइमिंग क्या रहता है, और आप कैसे जाते हैं, स्कूटी से ही जाते हैं कि अपने कन्वेंस से जाते हैं? सर, स्कूटी से ही जाते हैं, बाकी सब कोई जिसके स्कूटी नहीं है वो यहाँ से बस भी जाती हैं। काम करने का मैम क्या टाइमिंग क्राइटेरिया है? टाइमिंग सर दो शिफ्ट होती है, नाइट भी होती है, यहाँ तो 1090 तो 24 घंटे चलती है। कानपुर में देर रात हमारी टीम पुलिस की व्यवस्था को जांचने के लिए सड़क पर उतरी। हम शहर के सबसे बड़े चौराहे मॉल जेड स्क्वायर पहुँचे, जहाँ तीन लड़कियाँ एक ई रिक्शा पर सवार होकर जाती हुई दिखाई दी। तीनों लड़कियाँ जेड स्क्वायर मॉल में स्थित दुकानों में काम करती हैं। एक लड़की ने बातचीत में बताया कि अमूमन उन्हें देर रात लौटने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन कई बार परेशानियों से सामना हो जाता है। कानपुर महानगर में रात के क्या हालात हैं, किस तरीके से महिलाओं के लिए यह शहर सुरक्षित है, जानने के लिए आज हम निकले हैं और देखेंगे शहर का क्या नजारा है, किस तरीके से सिक्योरिटी पॉइंट्स पर पुलिस मौजूद रहती है, किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। ये एक ई रिक्शा यहाँ से गुजर रहा है, इसमें कुछ महिलाएं जारी से रोकने का प्रयास करते हैं। रुकना भैया, रुकना रुकना रुकना, ये बताइए कि आप लोग कहाँ से कहाँ जा रही हैं इतनी रात में, तकरीबन 11:15 का समय है, क्या कभी किसी तरीके का कोई डर महसूस होता है आपको? नहीं, हम यहाँ जेड स्क्वायर में जॉब करते हैं,
और ऐसी कोई, हम तो डेली आते जाते हैं, मुझे तो ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। अब कानपुर के घंटाघर स्थित सेंटर रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए, जहां लड़के रात 11 बजे के बाद चाय की दुकान पर बैठी मिले। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो काकादेव स्थित कोचिंग सेंटरों में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। अक्सर वो रात में सफर करती हैं। हम आ पहुंचे हैं कानपुर के घंटाघर चौराहे पर। घंटाघर स्टेशन से ये रोड निकलता है और यहाँ से तमाम लोग अपने अपने घरों के लिए जाते हैं। जो ट्रेन से सफर करते हैं, यहाँ से आने के बाद अपने घरों को जाते हैं। तमाम महिलाएं भी देर रात सफर करती हैं। स्टेशन पे आप देख सकते हैं, स्टेशन के बाहर पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की गई है। दो पुलिस के सिपाही यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रात में 11:30 बजे का समय है, लेकिन काफ़ी चहल पहल है। कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो अपने गंतव्यों को जा रहे हैं, और कुछ लोग चाय की दुकानों पर चाय भी पी रहे हैं। कुछ महिलाएं, कुछ युवतियां यहां पर बैठी, इनसे बात करते हैं कि रात में 11:30 बजे का समय, इनको कहां पर जाना है और किस तरीके से यहां पर आएंगी। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बंशु। ये बताइए आप कहां से आई, कहां जाना है? हम फिरोजाबाद से आए हैं, काकादेव में रहते हैं हम लोग, पढ़ाई करते हैं। रात में 11:30 बजे का समय हो रहा है, किसी तरीके का कोई डर नहीं लग रहा आपको? नहीं, हमें कोई डर नहीं है। बाकी की और तो सब व्यवस्था है ही है यहाँ पर। हमने देखा पुलिस की भी अच्छी व्यवस्था है, सामने चौकी भी है, अगर कोई भी दिक्कत होती है उसको बताएंगे हम जाके। वहीं सेंट्रल स्टेशन से डिप्टी पड़ाव को जाने वाली सड़क पर एक लड़की अकेले पैदल जाती हुई दिखी। पुलिस मदद का रिस्पांस टाइम जाने के लिए हमारे कहने पर लड़की ने डायल 112 पर कॉल की और खुद के मुसीबत में होने की बात बताई। डायल 112 पर कॉल करने के 6 मिनट के बाद पुलिसकर्मी मौके पर थे। कानपुर की सड़कों पर जी मीडिया की टीम पड़ताल करने के लिए निकली है कि महिलाएं यहां पर कितनी सुरक्षित हैं। आप देख सकते हैं कि एक युवती यहां पर अकेले पैदल जा रही थी, इनको रोका है हमने और इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि रात में तकरीबन 12 बजे का समय है और ये अकेले यहां से जा रही हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका, कहां आप जा रही हैं? सचिति गुप्ता। कहां जा रही हैं आप? डिप्टी पड़ाव। ये बताइए कि इस रात में अकेले पैदल जा रही हैं, किसी तरह का डर नहीं लग रहा आपको? नहीं सर, डर किसी चीज़ का नहीं है। पहले भी रोज ऐसे ही आते जाते रही हैं आप? नहीं सर, डेली तो आना जाना नहीं होता। अभी अपने रिलेटिव्स को छोड़ने गई थी रेलवे स्टेशन, इस वजह से इधर जा रही हूँ। लखनऊ और कानपुर की तस्वीरें बताती हैं कि लड़कियां अब पहले की तरह घर से रात में निकलने में डरती नहीं है, क्योंकि वो नई यूपी की बेटियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।